हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल पीटेक बाबा। व्हाई आर यू फियर व्हेन वी आर हियर। सो इस वीडियो में आपके लिए एक और अपडेट लेके आए हैं। इस वीडियो हम बात करने वाले SPCL, जिसका पूरा नाम हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड है, जो कि एक PSU यानी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, जिसने न्यू जनरेशन आईडीएशन कॉन्टेस्ट 2021 लॉन्च किया गया। और ये कॉन्टेस्ट डिफरेंट डिफरेंट थीम्स के लिए लॉन्च किया गया, तो हम इसके बारे में पूरे डिटेल में जानते हैं। एंड उससे पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये SPCL द्वारा लॉन्च न्यू जनरेशन आइडिएशन कॉन्टेस्ट 2021 की ऑफिशियल वेबसाइट है, जिसका लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो न्यू जनरेशन आइडिएशन कॉन्टेस्ट 2021 लॉन्च किया गया है, जिसको शॉर्ट में NJIC 2021 कहते हैं। अब हम ये जान लेते हैं कि ये न्यू जनरेशन आइडिएशन कॉन्टेस्ट है क्या। तो ये SPCL ग्रीन R&D सेंटर द्वारा इनोवेशन 2019 में लॉन्च किया गया था, जिसका मोटो या पर्पस था कि मॉडर्न वर्ल्ड चैलेंजेस और ग्लोबल प्रॉब्लम्स है, तो उसको ओवरकम करने के लिए जो स्टूडेंट है वो अपने आइडिया शेयर कर सकते हैं। तो उनके जो ब्रिलियंट आइडिया शेयर करने के लिए उनको इंक्रेज करता है ये प्रोग्राम, और स्टूडेंट्स को ये एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है, जहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ जो वर्ल्ड चैलेंजेस है, जो प्रॉब्लम्स है, उनके लिए अपने आइडियाज दे सकता है, जिससे वो प्रॉब्लम सॉल्व हो सके। तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल यहाँ पे दे रखे हैं कि वर्ल्ड चैलेंजेस में सच एज राइजिंग एनर्जी डिमांड, एनवायरमेंट पॉल्यूशन, ग्रोइंग कंज्यूमरिज्म, तो ऐसे करके कुछ एग्जाम्पल है, तो उसके लिए लॉन्च किया गया है। इसमें आपको थीम से रिलेटेड आपको आइडियाज सबमिट करने। तो ये जो इनोवेशन है वो पहली बार 2019 में लॉन्च किया था, तो उसका वो पहला एडिशन था। उसके बाद 2020 में जिसका सेकेंड एडिशन था, एंड अब ये जो हो रहा है वो इसका थर्ड एडिशन है, जिसका नाम है न्यू जनरेशन आइडिएशन कॉन्टेस्ट। और ये 10 डिफरेंट थीम्स के लिए लॉन्च किया गया। तो हम इसके बारे में देखते हैं कि क्या 10 डिफरेंट थीम है। थीम्स में आप देख सकते हो ये 10 डिफरेंट टाइप ऑफ थीम है। इसमें जो पहला थीम है वो है सर्कुलर इकोनॉमी, दूसरा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, थर्ड है वेस्ट टू फ्यूल और केमिकल, फोर्थ है पेट्रोलियम रिफाइनिंग, फिफ्थ हाइड्रोजन, सिक्स है CO2 कैप्चर एंड कन्वर्जन टू हाई वैल्यू केमिकल और फ्यूल, सेवन्थ है एडवांस एनर्जी स्टोरेज मटेरियल और डिवाइसेस, एट्थ है पॉलीमर एंड पेट्रोकेमिकल, नाइन्थ है नोवल सेपरेशन मटेरियल, टेन है जनरल। तो अब हम जो 10 थीम है उसमें हम डिटेल में जानते हैं कि इसमें क्या हमारा आइडियाज रहेगा, ये एक्चुअली है क्या, जिससे हम सोच के उसके और आइडिया दे सके। यहाँ पे दे रखा है डाउनलोड ब्राउचर, तो यहाँ से आप जो अलग अलग थीम के बारे में अगर पूरा डिटेल में पढ़ना चाहो तो यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। तो मैंने पहले ही डाउनलोड कर रखा है, अब हम उस पे जाते हैं। तो ये ब्राउचर का कुछ इस तरह इंटरफेस ओपन होता है। तो ये SPCL के बारे में दे रखा है, जो SP ग्रीन R&D सेंटर द्वारा लॉन्च किया था। एंड अबाउट द कॉम्पिटिशन, तो आप इसको और डिटेल में पढ़ सकते हो, वैसे मैंने ये अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। पहली थीम है वो है सर्कुलर इकोनॉमी, तो इसमें है कि न्यू टेक्नोलॉजीज टुवर्ड्स सर्कुलर इकोनॉमी, तो इसमें डिफरेंट टाइप दे रखा है कि क्या क्या कंसेप्ट है उसका, और यू दे रखा है। वैसे ही यहाँ पे सेकंड जो है यह दे रहा है क्रिएटिंग वैल्यू फ्रॉम प्लास्टिक वेस्ट, यानी प्लास्टिक वेस्ट है उससे कैसे हम प्रोडक्टिव बना सकते हैं, उसका कैसे यूज कर सकते हैं, तो उसके बारे में आपको आइडिया देना है। सेकंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रेडिक्टिंग फॉलिंग इन द हीट एक्सचेंजर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पॉलीमर प्रोडक्ट एंड टेक्नोलॉजी डेवलप, तो इसके बारे में आप डिटेल में पढ़ लेना। एंड उसके बाद आप उसके अकॉर्डिंग आप अपने आइडिया प्रिपेयर करना और उसके बाद आप सबमिट करना। थर्ड का देख सकते हो बायोमास टू फार्मास्यूटिकल केमिकल, फिर होमोजेनियस हेटेरोजेनियस कैटलिस्ट फॉर बायोमास, तो ऐसे सबके लिए दे रखे हैं। हम पूरा ऊपर से गो थ्रू कर लेते हैं, पेट्रोलियम फिर हाइड्रोजन, लास्ट थीम है वो जनरल। तो जनरल में क्या क्या थीम है वो हम देख लेते हैं। यहाँ पे मेम्ब्रेन टेक्नोलॉजी एंड देयर एप्लीकेशन इन रिएक्शन इंजीनियरिंग, सेपरेशन साइंसेज, नोवल रूट्स फॉर मेम्ब्रेन सिंथेसिस, मटेरियल डेवलपमेंट, नोवल रूट्स फॉर मटेरियल डेवलपमेंट, नैनो पार्टिकल दैट मिमिक हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, फिर डेवलपमेंट ऑफ एसिड्स फॉर रैपिड स्क्रीनिंग ऑफ सेलुलोज प्रोडक्टिंग नैनो लुब्रिकेंट, एंड वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट एंड वेस्ट वाटर रिसाइकलिंग टेक्नोलॉजी, देन नैनो कंपोसाइट कोटिंग फॉर प्रिवेंटेशन ऑफ कोरोजन एंड बायोफॉलिंग। तो मैंने आपको ओवरव्यू दे दिया, आप अगर इसमें इंटरेस्टेड है आप डीप गो थ्रू कीजिए इस थीम को, एंड उसके बाद अपने जो आइडियाज है वो आप सबमिट कीजिए। मैं इस PDF का लिंक है आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहां से आप डायरेक्ट इस पे आके और थ्रू डिटेल में जान सकते हो। अब हम जान लेते हैं कि इस कॉन्टेस्ट के लिए कौन कौन पार्टिसिपेट कर सकता है, हु शुड पार्टिसिपेट। तो यहाँ पे कॉम्पिटिशन के लिए अगर आप अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट या आप पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट या आप रिसर्च स्कॉलर फ्रॉम डिफरेंट इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस से हो तो आप इस कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट कर सकते हो, यानी आप किसी भी स्पेशलाइजेशन से हो तो आप इस कॉन्टेस्ट के लिए पार्टिसिपेट कर सकते हो। तो आपको आइडियाज कैसे सबमिट करने हैं, तो जो भी पार्टिसिपेंट है उनको आइडियाज 19 सितंबर यानी 19 सितंबर से पहले पहले ये आपको सबमिट करने हैं। एंड सबमिट कहाँ करने है वो मैं आपको अभी बताऊंगा।
एंड यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन है तो वो केयरफुली आपको पढ़ने। तो जो आप आइडिया सबमिट करोगे उसके लिए आपको एक राइटअप लिखना पड़ेगा जो 1000 यानी 1000 वर्ड से कम होना चाहिए। एंड एक पार्टिसिपेंट जो मल्टीपल थीम्स के लिए अपने आइडियाज दे सकता है उसके लिए आपको मल्टीपल सबमिशन करने पड़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल मुझे दो थीम के लिए अपने आइडियाज दें तो मुझे दो बार एंट्री सबमिट करनी पड़ेगी। एंड राइटअप जो आप लिखो वो आपका ओरिजिनल होना चाहिए यानी किसी का कॉपी नहीं होना चाहिए, तो ये आप ध्यान रखना। तो आप सारे आइडिया जो सबमिट करोगे उसका जो इवैल्यूएशन है उसके बेस पे होगा कि नोवेलिटी, एप्लीकेबिलिटी, क्लेरिटी, स्केलेबिलिटी एंड इंटीग्रेशन पोटेंशियल, तो ये सारे फैक्टर्स को देखेंगे, उसके बाद आपका आइडियाज इवैल्यूएशन होगा। अब हम बात करते हैं कि इस कॉन्टेस्ट के लिए कितनी प्राइस है। पे प्राइस दो कैटेगरी में दी जा रही है, ओपन कैटेगरी एंड अंडर ग्रेजुएट कैटेगरी। प्राइजेस फॉर द विनर्स, तो फर्स्ट प्राइज के लिए आपको 1 लाख रुपए मिलेगा एंड सेकंड प्राइज के लिए 50,000 एंड जो थर्ड प्राइज है वो 25,000। तो हम आ जाते हैं आइडिया सबमिशन पे। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको यहाँ पे फर्स्ट नेम देना, उसके बाद आपका लास्ट नेम एंड नेम ऑफ अदर टीम मेंबर्स। अगर आप टीम में पार्टिसिपेट कर रहे हो तो यहाँ पे आप अदर टीम मेंबर के नाम दे सकते हो, फिर आपका इंस्टीट्यूशन या ऑर्गेनाइजेशन, उसका एड्रेस, देन आपकी ईमेल आईडी, फिर आपके मोबाइल नंबर, फिर आपका थीम। यहाँ पे 10 थीम दे रखी है, तो आप कोई भी आप जिसमें इंटरेस्ट हो उसमें आपका आइडियाज दे सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ सेलेक्ट करता हूँ वेस्ट एस टू फ्यूल केमिकल्स सब थीम। तो सब थीम में मैंने बताया था कि जो ब्राउजर था उसको हमने डाउनलोड किया था, उसमें अलग अलग थीम्स के बारे में हमने डिटेल में देखा था, उसके अंदर जो मेन हेडिंग थी छोटी छोटी वो सारी सब थीम्स थी। आपके सब थीम के अकॉर्डिंग अपना आइडिया सबमिट करना चाहता है उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ सेलेक्ट करना है। यहाँ पे वेस्ट टू फ्यूल और केमिकल्स रिलेटेड यहाँ पे दो सब थीम है, तो उसमें से मैं 1 सेलेक्ट करता हूँ, बायोमास टू फार्मास्यूटिकल केमिकल। एंड देन आपको कैटेगरी सेलेक्ट करनी है, तो कैटेगरी सेलेक्ट में आप अगर अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट हो तो आप अंडर ग्रेजुएट कैटेगरी सेलेक्ट करते हो, अदरवाइज आप ओपन कैटेगरी सेलेक्ट कर दो। एंड द टाइटल ऑफ आइडिया, तो जो यहाँ पे आप आइडिया सबमिट कर रहे हो उसका यहाँ पे टाइटल ब्रीफ में आपको यहाँ मेंशन करना है। एंड राइटअप, राइटअप में आपको जो आइडिया सबमिट कर रहे हो उसके बारे में आपको 1000 वर्ड्स में आपको जितना डिटेल में उसके बारे में बताना है कि ये क्या आइडियाज है, क्या इम्प्लीमेंटेशन होगी, आपकी क्लियरिटी क्या है, आपकी स्केलेबिलिटी कितने लेवल पे इसके काम कर सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको मैक्सिमम 1000 वर्ड्स में इस आइडियाज को आपको एक्सप्लेन करना है। एंड देन आपको क्लिक करना आई एम नॉट ए रोबोट एंड देन सबमिट। तो जैसे ही आप सबमिट करोगे तो उसके बाद आपका आइडिया सबमिट हो जाएगा। अगर आप और थीम में अपने आइडिया सबमिट करना चाहते हैं आपको फिर से यहाँ लॉग इन करना है, फिर से आपको सारा प्रोसीजर सेम करना है, मल्टीपल आपको एंट्रीज करनी है। एंड होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।